हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल लव यू जिंदगी बाय प्यार भी में। तो आज ना ऐसा वीडियो होने वाला है, जो बोलते हैं ना दिल थाम के बैठिए, वैसा वाला वीडियो आज होने वाला है। तो आप सब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जिस जगह मैं आई हूँ ये काफी सुंदर जगह है। इस जगह के बारे में मैं पूरा डिटेल्स आप लोगों को देने वाली हूँ। उससे पहले मेरे वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इतने अच्छे अच्छे जगह मेरे साथ घूमने के लिए। आज मैं आई हूँ आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत बड़ी जगह है, जो कि आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इस जगह को बोला जाता है कोडिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड एनिमल मैंने कभी यहाँ पे देखा नहीं है, क्योंकि मैं 3 बार यहाँ पे जा चुकी हूँ, कुछ भी वाइल्ड जैसा देखा नहीं है। लेकिन हाँ, जगह बहुत सुंदर है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये मेन गेट है कोडिंगो का। यहाँ पे आपको पार्किंग का टिकट लेके अंदर जाना है, थोड़ा ज्यादा जाना है। मुझे ये जगह बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो लेने के लिए थोड़ा सा गाड़ी से उतर गई कि ये जगह भी थोड़ा आप लोगों को दिखा दूं। इसी रास्ते से अभी हम लोग आके एंट्री कर रहे हैं। और इसी बीच आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, जो कि यहाँ पे आने के लिए आपको या तो बाय कार, बाइक, ऑटो या कोई भी मतलब गाड़ी, प्राइवेट व्हीकल आपको बुक करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेन और जो सरकारी बस है उसका कोई फैसिलिटीज नहीं है। ऐसे देखिए ये पार्किंग है, मैं बहुत सुबह सुबह ही आ गई थी तो काफी खाली ये जगह था। हमको थोड़ा सा वॉक करके जाना है। पहले तो गाड़ी यहाँ के अंदर ही चला जाता था, लेकिन अभी यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। इस बार को लेके मैं यहाँ पे 3री बार आ रही हूँ, लेकिन ये जगह पहली बार मैं इतना खाली देख रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी आती थी 2nd हाफ में आती थी। आज मैं एकदम सुबह सुबह ही आ गई हूँ, जस्ट ओपन ही हुआ है तभी। देखिए ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये पिकनिक स्पॉट है। सोचिए कोई स्कूल का ग्रुप आता है या कोई ग्रुप बना के आते हैं, तो आप यहाँ पे जो खाना बनाना या खाना सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बुकिंग करना पड़ेगा। टिकट काउंटर यहीं पे है, टिकट 30 रुपीज लगता है। 30 रुपीज का टिकट लेके हम लोग आ गए हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है, फोटोग्राफी आप करने के लिए आए हैं, तो उसके लिए आपको सेपरेट टिकट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे इंतजाम कुछ और है। यहाँ पे कोडिंगो का फुल मैप है, आप अपने फोन में फोटो ले लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको किस तरफ जाना है। आपको जिस तरफ जाना है आप उस तरफ जा सकते हैं। मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था एकदम स्टार्टिंग से, तो मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो लकड़ी का पुल स्टार्ट हो रहा है अभी, इस लकड़ी के पुल को पकड़ के ही हम लोगों को चलना है। ये जो रोड दिख रहा है ना सामने, ये भी स्टेट आपको बोटिंग पॉइंट तक लेके जाएगा, लेकिन मेरा मकसद बोटिंग पॉइंट तक पहुंचना नहीं था। मुझे दिखाना है कि यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ, क्यों ये जगह इंटरेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पे जो लकड़ी का पुल है इसी को पकड़ के चलती रहूंगी। और हाँ, इसी बीच आपको एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। आप यहाँ पे एक बार अंदर आ गए ना, तो यहाँ पे आपको पानी नहीं मिलेगा पीने का, क्योंकि मतलब यहाँ पे पानी सेल ही नहीं होता है। तो एक दुकान तो आपको मिल जाएगा, शॉप, जहाँ पे आपको सॉफ्ट ड्रिंक, खाने पीने का चीज मिल जाएगा, लेकिन पानी का बोतल यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता है। तो आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो अपने साथ पानी का बोतल कैरी करें और उसको एकदम भर्ती करके ही लाए, खाली में नहीं लाए। खाली आप लाएंगे तो ये लोग गेट में ही ले लेगा। देखिए रोड में कंफ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी दूर दूर चलने के बाद ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप रोड कंफ्यूज हो रहे हैं, वहीं पे आपको एरो दिख जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है। आप फिर वो एरो देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। आपको और घने जंगल के अंदर जाना है तो उसके लिए अलग एरो रहेगा, आपको बोटिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए अलग एरो रहेगा। तो जिस तरफ भी आपको जाना है आप उस तरफ जा सकते हैं। इसी बीच एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देती हूँ। ये जो जगह है, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट मैनग्रोव रिजर्व है। यहाँ पे आप 24 टाइप्स ऑफ मैनग्रोव देख सकते हैं। और अभी आते हैं मेरे फोटोग्राफर व्यूअर्स की तरफ।
आप लोगों के लिए ये जगह बहुत ही अच्छा है। अभी जब मैं रास्ते में चल रही थी ना, यहाँ पे मैं बहुत लोगों को देख रही थी जो लोग कैमरा लगा के ऐसे ही बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई दिख रहा था, बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का, वो लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। तो और बहुत मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए अलग चार्जेस लगता है, तो बिल्कुल इन लोगों के लिए भी लगा ही होगा। तो और एक इन्फॉर्मेशन इसके साथ में शेयर कर देती हूँ कि जिन लोगों को भी बर्ड पक्षी में आप लोगों को इंटरेस्ट है फोटोग्राफी का, तो आपके लिए ये जगह अच्छी इसलिए है क्योंकि 120 टाइप ऑफ बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हाँ, नेचर तो है ही, नेचर का फोटोग्राफी जो करते हैं वो तो यहाँ आ ही सकते हैं, इससे अच्छा जगह तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आप अगर कभी भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप सितंबर से लेकर फरवरी के अंदर आइए, और नहीं तो अभी जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है तो आप इस समय में भी आ सकते हैं, तो आपको यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगेगा। और टाइमिंग बता देती हूँ, ये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप अगर बहुत अच्छे से फोटोग्राफी करना चाहते हैं, अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सुबह सुबह ही पहुंच जाए। देखिए ये उडन पुल पकड़ के हम लोग आ गए हैं, यही वो रास्ता है जो मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, उडन पुल पकड़ के हम लोग यहाँ पे आ गए हैं रिवर के पास। ये है कोडिंगो रिवर। कोडिंगो रिवर का पानी जो है ना, ज्यादा ग्रीन नहीं है, ये थोड़ा ना ब्लैक टाइप का है, लेकिन बहुत सुंदर है ये जगह ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफी अच्छे अच्छे फोटो मैंने लिया है यहाँ पे, बहुत सुंदर मुझे पर्सनली लग रहा था ये जगह। और अभी मैं गई हूँ सुबह सुबह तो खाली था, तो नहीं तो जब भी मैं सेकंड हाफ में जाती हूँ यहाँ पे पूरा भीड़ लगा रहता है, मतलब सारे लोग वर्क करके आते हैं, आके यहाँ बोट के पास जमा हो जाते हैं, और अच्छा भी लगता है, बैठने का भी जगह है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जगह है ना, यहाँ पे हर एक एज के लोग जा सकते हैं, बच्चे के लिए भी अलग से प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे वो खेल सकते हैं। ये टिकट काउंटर है बोटिंग का, 100 रुपीज पर हेड हम लोगों का लिया था, और कोई 20 मेंबर्स का एक बोट हम लोगों को दिया था। यहाँ पे एक पानी का फिल्टर रखा हुआ है, आप चल के आएंगे तो यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि वाइल्ड एनिमल देखने के लिए शायद इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा, तो आप वाइल्ड एनिमल देख सकते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा वाइल्ड कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे ही डर लगता है, तो मुझे लगता है इसी रास्ते पे जाने में आपको वाइल्ड एनिमल दिखेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने देखा है, जब मैं बोटिंग करने जा रही थी ना, बहुत छोटे छोटे बोट नदी के पास पास में खड़े हैं, जिसमें काफ़ी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बोला ना आपको बर्ड यहाँ पे दिखता है, तो साइड बाय साइड बहुत सारे बोट छोटे छोटे लगे हुए हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये जगह बहुत बड़ा एरिया है, इतना ये एरिया है, 10-15 मिनट के वीडियो में ये जगह पूरा एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो लकड़ी का पुल मैंने आप लोगों को दिखाया ना, करीब करीब 35 मिनट से 40 मिनट हम लोग यहाँ पे चले थे, तब जाके बोटिंग तक पहुँचे हैं, वो भी शॉर्टकट में। ठीक है, अगर ज्यादा घूमने जाते तो और ज्यादा टाइम लग जाता, फिर आप ही लोग बोर हो जाते। चलिए, हमारा बोट आ चुका है, तो अभी हम जाएंगे बोटिंग पे। लाइफ जैकेट हम लोग ले लिए हैं, क्योंकि जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग ले लिए हैं लाइफ जैकेट, तो बोटिंग पे चल रहे हैं। हम लोग का बोट स्टार्ट हो चुका है। इस ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए यही था, ये बोटिंग। ये इतना अच्छा लग रहा था, इतना हवा चल रहा था, मैं दिन के टाइम में गई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, लेकिन बोट एक बार स्टार्ट होने के बाद कोई गर्मी लग नहीं रहा था। देखिए, बोट स्टार्ट हो चुका है। अभी ये जो रिवर है, इसका नाम है कोडिंगो रिवर, जो कि समुंदर दूर में ही समुंदर है, मोहना है, तो वहाँ पे जाके मिलता है। ये जो दूर में दिख रहा है ना, यही समुंदर है, बे ऑफ बंगाल। ये जगह काकीनाडा सिटी से काफी नजदीक है। आप मोहना के पास जैसे जाएंगे ना, आपको काकीनाडा का जो डॉक है, मेन डॉक, वो दिखने लगेगा। मतलब बहुत छोटा छोटा दिखता है, आपको समझ में आएगा कि हाँ यही डॉक है। तो ये जर्नी बहुत ही अच्छा था। और हाँ, पानी में बहुत ज्यादा वेव है यहाँ पे, जितना अच्छा ये लग रहा था
पानी में, लेकिन वेट भी बहुत ज्यादा है। स्पीड बोट का भी यहाँ पे फैसिलिटीज था, लेकिन मैं स्पीड बोट पे नहीं गई क्योंकि मुझे वीडियो करना था, ये जगह को एक्सप्लोर करना था, दिखाना था। तो मैं स्पीड बोट में जाऊँगी तो मेरे लिए वीडियो करना इम्पॉसिबल होगा, तो इसलिए मैं स्पीड बोट पे नहीं गई। मैं यहीं पे जो नॉर्मल बोट है यहाँ पे वीडियो करना थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए मैं यहीं पे आ गई। करीब करीब 40 मिनट का ये जर्नी रहेगा जो बोट पे है। बोट बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत ज्यादा मतलब जोर से चलता नहीं है, तो इसीलिए वीडियो लेने में सुविधा हो रहा था। देखिए समुन्दर के पास हम लोग आ गए हैं, लेकिन अभी ये बोट घुमा लेगा, उतना दूर वो जाएगा नहीं। नदी के दोनों तरफ आपको बहुत अनकॉमन बर्ड्स दिखेंगे जो कि सबको यहाँ पे देख रहे थे। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग देख क्या रहे हैं, फिर जब मैं पूछी उन लोगों से कि आप लोग क्या देख रहे हैं, तो बताया कि ये देखो ये जो बर्ड है ये बस यहीं पे दिखते हैं। तब मुझे समझ में आया अच्छा चलो बर्ड देख रहे थे। तो अभी हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरे तरफ से जाएंगे। ये हम लोग पहले राइट साइड लिए हैं क्योंकि हम लोग को ये जगह देखना है क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लकड़ी का पुल फिर से पकड़ लिए हैं क्योंकि इसी रास्ते से हम लोगों को जाना है, लेकिन मुझे लग रहा है ना जहाँ से हम लोग आए थे उससे ये जगह और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ का छांव है, और जो व्यू है जिस जगह से हम आए थे और जहाँ से हम वापस जा रहे हैं, ये जगह मुझे उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्पेशली बच्चों के लिए मैं बोलूंगी, बच्चों को ये जगह बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। मेरी बच्ची तो मुझे क्वेश्चन पूछ पूछ के पागल कर दिया, ये क्या है वो क्या है। तो हर कोई अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। खाने पीने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, आपको खाना कैरी करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे चलते चलते हर जगह पे दुकान या शॉप रेस्टोरेंट इसके अंदर में कुछ नहीं दिखेगा। लकड़ी का पुल पकड़ के चलते चलते हम लोग एक रोड पे आ गए हैं। इस रोड पे ये रोड सीधा जाता है जो शॉप में बोल रही थी ना, अंदर में एक है जहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का चीज आपको मिलेगा, आप चाहे तो लंच कर सकते हैं। देखिए ये रोड जो है ये स्ट्रेट जाता है बोटिंग तक, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं गए हैं। ये देखिए पूरा खाली रोड है, खाली हम ही लोग दिख रहे हैं, और आ गए हैं हम एक छोटा सा शॉप की तरफ। यहाँ पे हर तरीके का खाना मिलेगा, लेकिन खाली आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी छोड़ के आपको सब कुछ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, जितने भी तरीके का खाना है सब मिलेगा, खाली पानी नहीं मिलेगा। ये जगह एकदम वॉच टावर के बिल्कुल पास है। ये देखिए ये है वॉच टावर। आप अगर वॉच टावर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक बार वॉच टावर में उठ के पूरा कोडिंगो का व्यू ले सकते हैं। ये है एक एक्वा वर्ल्ड जहाँ पे काफी तरीके का एक्वेरियम है, फिश देखने को मिल रहा था जो मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही थी, और काफी अच्छा लग भी रहा था क्योंकि इतना तरीके का मछली वो कभी देखी नहीं है, पहली बार था उसका, तो उसने काफी एंजॉय किया, बच्चा लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे मैंने देखा। तो हम लोग एंडिंग तक पहुंच ही गए हैं। अभी आप लोगों को बताना है कि ये आज का ये जगह आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आपको अगर आंध्र प्रदेश में कोई भी जगह आप देखना चाहते हैं जो कि आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उस जगह का एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ।